6,000 people still missing the after massive tragedy hit that large is unfolding. Uttarakhand is devastated. The extreme death in Kedarnath. बड़े पैमाने पर बर्बादी और तबाही. Leaving tens of thousands stranded. अभी तक सारा फोकस तीर्थयात्रियों को निकालने में ही है. Uttarakhand. केदारनाथ उत्तराखंड, ये छोटी चारधाम यात्रा के चार स्तंभों में से एक है. कई हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए ये तीर्थयात्रा का अंतिम पड़ाव है. हर साल हजारों तीर्थयात्री इस मंदिर में आते हैं, जिसे भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, और हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है. समझा जाता है कि पुराने समय में तीर्थयात्री अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने पापों को धोकर उनसे मुक्त होने के लिए यहाँ आते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में ये सिर्फ एक पवित्र मंदिर ही नहीं बल्कि हर उम्र के स्त्री पुरुषों और बच्चों के लिए धार्मिक पर्यटन का एक अहम केंद्र भी बन गया है. हर साल लाखों लोग उत्तराखंड के चार तीर्थों की यात्रा यानी चार धाम यात्रा पर आते हैं. ये लोग केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं. इन चार तीर्थ स्थानों के कारण हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है. हैरानी की बात नहीं है कि इसे देव भूमि यानी देवताओं का स्थान भी कहा जाता है. भारत में लाखों हिंदू श्रद्धालुओं के लिए देवताओं की ये भूमि परम पूजनीय है. उत्तराखंड के सबसे सुदूर कोने में स्थित केदारनाथ को बहुत पवित्र माना जाता है. बर्फ से ढकी शानदार चोटियों से घिरा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के छोटे चार धामों में सबसे सुदूर है. ये हिमालय की केदार घाटी में स्थित है, जो किसी जमाने में शायद पूरी तरह एक ग्लेशियर से ढकी हुई थी. ये मंदिर समुद्र तल से 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर है. केदारनाथ शहर के ठीक ऊपर चोराबारी और इसके साथ का एक और ग्लेशियर मौजूद है. ये ग्लेशियर इस घाटी से होकर बहने वाली मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के स्रोत हैं. केदारनाथ मंदिर आने वाले ज्यादातर तीर्थयात्री सड़क से गौरीकुंड तक आते हैं और फिर 14 किलोमीटर की तीखी चढ़ाई पैदल, खच्चरों पर या पालकियों पर पूरी करते हैं. ज्यादा खुशकिस्मत लोगों के पास हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का भी विकल्प है. गौरीकुंड से केदारनाथ की चढ़ाई के बीचों बीच रामबाड़ा नाम की एक छोटी सी बस्ती है, जिसके बाद हवा काफी पतली होने लगती है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए जाने वाले हजारों लोगों को ऐसे मुश्किल हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता. एक जाने माने सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता का ये कहना है, पहले जब लोग इन तीर्थ यात्राओं पर जाते थे तो ये बहुत आसान नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ ये हुआ कि लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये तीर्थ यात्राएं बहुत आकर्षक है और इनमें अब पर्यटन वाली खासियतें भी शामिल हो गई हैं. इसकी वजह से लोगों ने यहाँ होटल और रेस्टोरेंट वगैरह भी खोल लिए हैं. इससे तीर्थयात्री यहाँ बहुत बड़ी तादाद में आने लगे हैं, जो टूरिस्ट भी हैं. इस तरह लोग अब तीर्थयात्रा की तरह
टूरिस्ट भी बन गए हैं, इसलिए इसमें टूरिज्म वाला हिस्सा ज्यादा अहम हो गया है। पहले ये शायद इतना अहम नहीं था और तीर्थ को महत्व दिया जाता था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था। इतनी ऊंचाई तक चढ़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन अब रास्ते में आराम करने और खाने पीने के लिए कई जगह बन गई हैं, इसलिए अब ये तीर्थ यात्रा पहले जितनी मुश्किल नहीं रह गई। यही चीज चारधाम यात्रा के पुराने और नए स्वरूप को बिल्कुल अलग करती है। अनुमान है कि केरल, गोवा और हिमाचल जाने वाले भारतीय टूरिस्ट्स की कुल तादाद से ज्यादा पर्यटक उत्तराखंड आते हैं। 2011 में उत्तराखंड की आबादी 1 करोड़ से कुछ ज्यादा थी, जबकि यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या 2,68,00,000 यानी यहां की जनसंख्या से दुगनी से भी ज्यादा थी। एक दशक से भी ज्यादा समय से एक ट्रैवल एजेंसी चला रहे गंगा सिंह भंडारी एक टूर ऑपरेटर हैं, जो अपनी रोजी रोटी के लिए यहां आने वाले पर्यटकों की इस भारी तादाद पर निर्भर है। पहले यूपी में था, उत्तराखंड जो है यूपी में था। यूपी से जब अलग हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा वहाँ का डेवलपमेंट ये हुआ कि भाई वहाँ की राजधानी अलग हो गई, तो फिर वहाँ थोड़ा पैसा गया, तो फिर उसके बाद वहाँ काम चालू हुआ कि भाई ये टूरिज्म का काम चालू करो उत्तराखंड में। जब काम चालू होता है तो उस समय पूरी दिल्ली की ट्रांसपोर्टर जो है ना पूरा ऋषिकेश चला जाता है चार धाम के लिए। छोटी गाड़ी से लेके 7 सीटर बस जाती है, तो उस समय सबका रुख एक ही रहता है कि भाई सब खुश रहते हैं कि भाई चार धाम चलेंगे। 6 महीने चार धाम का काम चलता है, जिसमें 2 महीने बीच में बरसात में कम हो जाता है, फिर 2 महीने आगे चालू हो जाता है। 2 महीने मई और जून का महीना हमारा पीक वो चलता है। हैरानी की बात नहीं है कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले कुछ 10 वर्षों में लगभग 140% की वृद्धि हुई है। पुराने लोग ये कहते हैं कि चार धाम में वो आदमी जाता है जब वो अपना क्रियाक्रम करके अपना घर छोड़ के चला जाता है, बच के आ गए तो ठीक है, नहीं बच के आ गए तो हम वही भगवान के लिए पहले जा रहे हैं घर छोड़ के, तो उस समय लोग बाग आ जाते थे, क्योंकि उस समय 60 से ऊपर के लोग जाते थे। अब ये हो गया कि अब तो लोग छोटे से लेकर बड़े तक सभी जा रहे हैं, वहाँ पिकनिक जैसे मना रहे हैं कि हाँ भाई पिकनिक में जा रहे हैं। नोबेल प्राइज जीतने वाले इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरपर्सन डॉक्टर आर के पचौरी को लगता है कि इस नाजुक इलाके में लोगों की इतनी बड़ी तादाद से इकोलॉजी पर गहरा असर पड़ता है। सच ये है कि इस राज्य में लोगों की एक निश्चित संख्या को संभालने की क्षमता है, और अगर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं तो हमें उसके इकोलॉजिकल असर पर भी गौर करना होगा। इतने सारे लोगों की सहूलियत के लिए सड़कें बनानी होंगी और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन सब चीजों का इलाके की इकोलॉजी पर असर पड़ता है। टूरिस्ट्स को पता नहीं था कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये तेज और बेतरतीब विकास ही जून 2013 की त्रासदी को और गंभीर बनाने में मदद करेगा। जून 2013 में भारतीय मॉनसून उत्तराखंड पहुंचा, जिसका लोग बेताबी से इंतजार कर रहे थे। इस बार ये समय से 2 सप्ताह पहले आ गया था। भारत को जबरदस्त फसल की उम्मीद थी। सबसे अहम मॉनसून सिस्टम्स में से एक भारतीय मॉनसून पूरे भारत में आगे बढ़ता हुआ इसकी धरती को जिंदगी देने वाली बारिश से सींचता गया। देहरादून में मौसम विभाग के डायरेक्टर आनंद शर्मा मॉनसून की बढ़त पर बारीकी से निगाह रख रहे थे। 14 तारीख को शुक्रवार था और हमने किसानों के लिए मौसम पर आधारित खेती की सलाह जारी की थी, और हमारे पास एक मल्टी मॉडल एंसाम्बल है जो मौसम का पूर्वानुमान लगाने की न्यूमेरिक टेक्निक है, और इनसे हमें पता चला था कि 14 तारीख को भारी बारिश के आसार हैं। आमतौर पर उत्तराखंड में मॉनसून जून के 3रे या 4थे सप्ताह में आ जाता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा जल्दी आ गया और ये उत्तराखंड पहुंच गया था यही कोई 15 जून को, और जबरदस्त बारिश हो। केदारनाथ में भी बारिश शुरू हो गई। केदारनाथ शहर में अपने तमाम नाते रिश्तेदारों के साथ आने वाले तीर्थयात्रियों की वजह से भारी भीड़ थी। 2013 में केदारनाथ की यात्रा पर जाने का फैसला करने वालों में दिल्ली के एक वकील अविनाश मिश्रा भी थे, जो अपनी पत्नी, 3 बच्चों, बुजुर्ग माता पिता और सास ससुर के साथ गए थे।
मेरा निजी तौर पे जाने का कोई प्लान नहीं था, मगर मेरे एक फ्रेंड थे, उनका प्लान निजी तौर पे जाने का था। तो वो मेरे से उन्होंने काफी मेरे को बोला कि भाई आप चलिएगा। तो इधर अचानक से मेरे जो सास ससुर थे वो भी आ गए, तो इस तरीके से दिमाग बन गया। मैंने कहा भाई मैं अपने माँ बाप को और अपने सास ससुर को चार धाम की यात्रा करा लूं, इससे बेटर मौका और कोई दूसरा मिल नहीं सकता, तो इसलिए फिर मेरा प्रोग्राम बना। अविनाश मिश्रा की तरह अन्य सैकड़ों तीर्थयात्री जून 2013 में अपने परिवार के साथ केदारनाथ गए थे। विट्ठल माहेश्वरी ने भी अपनी पत्नी और दो अन्य रिश्तेदारों यानी अपने साले और उनकी पत्नी के साथ चार धाम यात्रा पर जाने का फैसला किया था। इस यात्रा में केदारनाथ इनका तीसरा तीर्थ स्थान था। इस साल केदारनाथ पहुंचने से ठीक पहले इन्होंने दिल्ली में अपने परिवार को ये तस्वीरें भेजी थी। मैं केदारनाथ तीन बार जा चुका हूं और यहां तक कि मेरे पोते पोती 6-6 महीने के थे, इनको लेके गया हूं। हर 2 साल बाद मैं कोई कोई यात्रा करता हूं, ये तीसरी मेरी यात्रा थी। हम लोग चारों धाम की यात्रा के लिए, मैं, विट्ठल महेश्वरी, मेरी वाइफ कांता महेश्वरी, मेरे साले केशर देव महेश्वरी, मेरे सलज प्रेमलता महेश्वरी, चारों धाम यात्रा के लिए 10 तारीख मॉर्निंग में 5 बजे अपनी सोसाइटी से रवाना हुए। जून 2013 तमाम दूसरे वर्षों या शायद उनसे बेहतर ही लग रहा था। केदारनाथ घाटी में काफी चहल पहल थी। देहरादून के भवान सिंह रावत केदारनाथ में एक गेस्ट हाउस के मैनेजर थे। हर साल की तरह इस साल भी भारी तादाद में पर्यटकों का आना इनके लिए अच्छे कारोबार का संकेत था। हर सीजन में जैसे उत्साह होता है, इस बार भी बहुत अच्छा उत्साह था, सभी में जो है उत्साह था, क्योंकि काफी लोग वहां के रोजगार से जुड़े हुए हैं। यात्रा बहुत चरम सीमा पे थी, पीक सीजन जिसे कहते हैं, और काफी भीड़ भाड़ थी। मंदिर में भी काफी भीड़ भाड़ हो रही थी, चारों तरफ जो है काफी लोग थे, सब में उत्साह था, सब अपने जो है जोर शोर पे अपने बिजनेस के व्यापार को चला रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस बार ये सीजन कुदरत का कहर लेकर आएगा जो यहाँ तबाही और मौत छोड़ जाएगा। ऐसा लग रहा था कि इस बार लोगों का भरोसा टूट जाएगा। अपने 9 रिश्तेदारों के साथ केदारनाथ की यात्रा पर गए अविनाश मिश्रा अपनी दास्तान बताने के लिए जिंदा बच गए, लेकिन बदकिस्मती से इनकी पत्नी और 3 अन्य रिश्तेदार नहीं बच पाए। जब हमने केदारनाथ के लिए हमने चढ़ना शुरू किया, उस वक्त मौसम जो है वो बादल तो थे बट बारिश नहीं हो रही थी, और बहुत सुहाना मौसम था, हमको बड़ा मजा आ रहा था जाने में। मगर 15 तारीख को लंच के बाद मौसम काफी बिगड़ गया और बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो गई, रास्ता बड़ा फिसलन भरा हो गया। इस वजह से हमको चलने में हम सभी को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बुजुर्ग जो मेरे परिवार के सदस्य थे वो कई बार उस रास्ते पे फिसले भी, तो नतीजतन हमारी जो चाल थी वो धीमी हो गई और हम अंधेरा होने पर हम केदारनाथ पहुंच पाए। दिन चढ़ने के साथ दोपहर तक हल्की बारिश लगातार तेज होती गई। दोपहर तक मूसलाधार बारिश होने लगी थी। भगवान सिंह ने केदारनाथ शहर में इतनी तेज बारिश कभी कभार ही देखी थी। 15 तारीख सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, बहुत जोर की बारिश, जो कि हाई एल्टीट्यूड इतनी तेज बारिश होती नहीं है, और 15 तारीख से ही संभावना ऐसी लग रही थी कि बहुत तेज बारिश हो रही है, कहीं कोई दुर्घटना की संभावना लगी रही थी कि तेज बारिश होने से कहीं कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। मौसम के एक्सपर्ट के अनुसार ये बारिश आगे बढ़ रहे मानसून और बहुत तेज पश्चिमी हवाओं के असामान्य रूप से ज्यादा लंबे समय तक टकराने की वजह से हुई थी। हुआ यह कि बंगाल की खाड़ी पर एक लो प्रेशर एरिया एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ में बन गया और वो पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ने लगा, और साथ ही कैस्पियन सागर के ऊपर बनने वाली पछुआ हवाएं भी अपने साथ में नमी लेकर आने लगी। ये हवाएं अरब सागर के ऊपर पहुंचने पर उसकी नमी को भी समेट लेती हैं। तो बंगाल की खाड़ी से चला सर्कुलेशन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में पहुंच गया और इसने भी अरब सागर से नमी खींच ली, जिससे ढेर सारी नमी के साथ ये दोनों सिस्टम आपस में टकरा गए। कहने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा नमी थी और ये दोनों सिस्टम्स इंटरैक्ट कर गए, और इस इंटरैक्शन की वजह से इनका सारा पानी हिमालय पर बरस गया। ये इंटरैक्शन राइट एंगल्स पर होता है और ऐसे में सारा पानी
यमुना और गंगा इन दोनों नदियों के कैचमेंट एरिया में बरसता है। केदारनाथ में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। 16 को बारिश रही तो चारों तरफ जो है नदी नाले बढ़ गए, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के दोनों आसपास में दोनों नदियां हैं। एक तरफ मंदाकिनी जाती, ज्यादा पानी मंदाकिनी में ही रहता है, सरस्वती में कम पानी रहता है। इस हादसे की रिपोर्टिंग में काफी करीब से शामिल और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित साइंस जर्नलिस्ट पल्लव बागला ने बताया कि नदियों का जलस्तर इतना क्यों बढ़ गया था। वहां बर्फ पर बारिश हो रही थी, वहां पहले से ही काफी बर्फ थी और बारिश की वजह से वो पिघलने लगी थी। नदियां पहले ही बर्फ पिघलने से उफान पर थीं और फिर अचानक बारिश का पानी आ जाने से मंदाकिनी घाटी में बहने वाले पानी की मात्रा बहुत बढ़ गई और इसी वजह से भारी दिक्कत पैदा हुई। जहां पानी नहीं था वहां जमीन ने भी कहर ढाया। लगातार होने वाली भारी बारिश से पहाड़ियों की पूरी ढलानें धंस कर गिर गईं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक के 14 किलोमीटर तक के रास्ते का काफी बड़ा हिस्सा बह गया। बारिश की वजह से ज्यादातर पहाड़ियों की ढलानें पानी से सराबोर थीं, यानी उनमें पहले से ही काफी पानी था। देखिए, हिमालय बहुत नाजुक पहाड़ हैं, वो अब भी विकसित हो रहे हैं, उनमें अब भी बदलाव हो रहा है, यानी वो बहुत नाजुक हैं। इसलिए जब 16 और 17 जून को बारिश आई, यानी 15, 16 और 17 को, खासकर 16 और 17 को बहुत ज्यादा बारिश आई, तो पहाड़ियों की ढलानें ढेर सारा पानी सोखकर धंसने लगी। इससे हुआ ये कि जगह जगह पर बहुत बड़े लैंडस्लाइड्स होने लगे। हिमालय की नाजुक घाटियों में लैंडस्लाइड्स कोई अनोखी बात नहीं है। जमीन के भीतर मौजूद ढेर सारे पानी से पहाड़ियों की कुछ ढलानें गीली रहती हैं, जिससे चट्टानें कमजोर हो जाती हैं और उनके लुढ़कने का भी खतरा रहता है। 16 तारीख मॉर्निंग में 6:30 बजे हम नीचे उतर रहे थे। करीब 2.5 किलोमीटर हम चले हैं तो हमारे पांव के अंगूठे में चोट लगी, उसका नाखून निकल गया। साले और मेरे वाइफ ने घोड़े को रोककर पूछा कितने पैसे लेंगे, उन्होंने कहा इतने लेंगे। मेरे को उन्होंने घोड़े पे चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़के देखा, तीनों हाथ मिलाकर, तीनों एक साथ चलकर, एक छतरी है, एक बरसाती के अंदर दोनों हैं, वो धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहे हैं। मेरा घोड़ा आगे चलता रहा। करीब 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़ा अपने आप रुक गया, हिंदनाया, उसने टांगे पीछे से उठा दी और पहाड़ी बोला कि बादल फटने वाले हैं, पहाड़ियां गिरने वाली हैं, ये घोड़ा आगे नहीं जाएगा। चंद सेकंड में घोड़ों से नीचे उतरे हैं और एक पहाड़ी गिरी है, पहाड़ी गिरी, उसके अंदर से पानी, रेता, मिट्टी, कई चीजें गिरते हुए नीचे गिरी। घोड़े वाले कहां चला गया, घोड़े भाग गए या घोड़े पानी में बह गए, मुझे नहीं पता। 16 जून की शाम को आए दो फ्लैश फ्लड्स में से पहले ने यहां प्रलय जैसी विनाश लीला शुरू कर दी। 15 जून 2013 से केदारनाथ घाटी में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन 16 जून की शाम को बादल फटने जैसी एक घटना से हादसों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होने वाला था जो कुछ ही समय में बहुत बड़ी कुदरती आफत की शक्ल लेने वाला था। 16 की शाम को हम एक कानपुर की धर्मशाला है केदारनाथ पर, मंदाकिनी नदी के किनारे पर हम उसमें ठहरे हुए थे। खाने के लिए हमने थाली अपने हाथ में ली थी, तभी एकदम बहुत तेज भूकंप आया। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना तेज भूकंप था। इतना तेज भूकंप था जैसे हम हाथ से किसी चीज को हिला दें। अविनाश ने जिस भूकंप का जिक्र किया वो असल में संकरी घाटी में बादल फटने जैसी घटना से बरसे ढेर सारे पानी का झटका था। तो जब ऐसा महसूस हुआ कि भूकंप आ रहा है तो उसके तुरंत बाद 10-15 मिनट में जो है सैलाब आ गया, और सैलाब आ गया। मैं जहां अपने कमरे में था, जरा डाउन में था, तो मेरे स्टाफ ने जो है जोर से आवाज मारी, सारा स्टाफ भाग गया कि आप भागो 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 की आवाज आई, सब ऊपर भागे, लेकिन मैं वहीं छूट गया था। तभी बहुत तेजी से पानी आया, बहुत तेजी से पानी आया और घुटनों से ऊपर पानी हो गया, लेकिन किस्मत से हम सभी वहां से बचने में कामयाब हो गए।
भारत के एक जाने माने इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर अनबलागन बताते हैं कि आफत की उस रात को क्या हुआ होगा। बादलों का फटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक साथ बहुत सारा पानी बहुत कम समय में बरस जाता है। ये जिन जगहों पर होता है उनके भूगोल पर गौर करें तो ये बहुत दिलचस्प लगेगा, क्योंकि ये अधिकतर तीखी ढलान वाली घाटियों में होता है जहां दोनों तरफ से घाटियां बहुत संकरी होती हैं और उसकी दीवार बिल्कुल सीधी लगती है। पानी लेकर आए बादल इन घाटियों में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। उन्हें फैलने की जगह नहीं मिलती, वे गॉर्ज में जमा होने लगते हैं जहां ढेर सारे बादल जमा हो जाते हैं और फिर उनसे सीमित इलाके में ढेर सारी बारिश हो जाती है। हिमालय में बादलों का फटना उतनी अनोखी बात नहीं है जितनी भारत के अन्य हिस्सों में। बहुत कम समय में इतनी तेज बारिश होने से सिर्फ ढेर सारा पानी ही नहीं बरसता बल्कि ये बहुत तेजी से भी बरसता है। ये तेज बारिश आसपास की पहाड़ियों पर से ढीली चट्टानों और पत्थरों को लुढ़का देती है जिससे बाढ़ के पानी में ढेर सारा मलबा भी शामिल हो जाता है। केदार घाटी में इस फ्लैश फ्लड के नतीजे बहुत खतरनाक थे। इस इलाके का बारीकी से अध्ययन कर चुके ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर डोबल ने बताया कि ये घटनाएं कैसे हुई होंगी। 14 बजे लगातार बारिश हो रही थी, 15 को भी बहुत ज्यादा बारिश हुई, 16 को पूरा फुल डे बारिश रही, पूरे कंप्लीट बारिश रही। सरस्वती और मंदाकिनी दोनों नदियों में ज्यादातर पानी बर्फ के पिघलने और बारिश से आता है। सरस्वती नदी में आमतौर पर जलस्तर बहुत कम रहता है। ये नदी चोराबारी के आसपास के ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन 16 तारीख को लगातार जारी बारिश से इन नदियों में ऐसा उफान आ गया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। शाम को जिस तरह बादल फटता है उस तरह हुई तेज बारिश से शहर के ऊपर से पहाड़ों पर ढेर सारा पानी बरसा और इससे एक लैंडस्लाइड शुरू हो गया जिसका मलबा पानी के साथ मिलकर बहुत तेज रफ्तार से मंदिर के पीछे वाले हिस्से की ओर बढ़ने लगा। केदारनाथ शहर के उत्तर पश्चिमी छोर पर नदी में उफान आ गया और इसने रामबाड़ा और गौरीकुंड को जाने वाले रास्ते से जोड़ने वाले पुल समेत हर चीज को तबाह कर दिया। डॉक्टर डोबल के मुताबिक इस मलबे ने सरस्वती और मंदाकिनी के संगम पर अवरोध खड़ा कर दिया था जिससे सरस्वती शहर के पूरब में एक पुराने सूखे चैनल की ओर मुड़ गई। अब केदारनाथ शहर बिल्कुल अलग थलग हो गया था जिसके चारों तरफ जानलेवा रफ्तार से पानी बह रहा था। 16 तारीख को देर रात तक भवान सिंह और अविनाश मिश्रा की तरह केदारनाथ में फंसे कई अन्य लोग लगातार जारी बारिश से बचने के लिए जगह ढूंढने लगे थे। मैं जो ही जब भागो भागो बाहर गया तो बाहर तक तो पानी मेरे कमरे के आगे तक आ गया था, पूरा पानी और मलबा। तो उसी में मैं भाग भाग के गया आगे कीचड़ में होते हुए और मैं रेस्ट हाउस पार करके गया। उसके बाद हम मंदिर में गए, सारे लोग मंदिर सेफ समझ रहे थे, वो है जरा ऊंचाई पर था तो मंदिर में काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। मंदिर में मेरे को जगह नहीं मिली, अंदर इतनी भीड़ भाड़ थी, तो मंदिर के पास में जो धर्मशाला है मैं वहां चले गया। तो वहां गया तो तब तक वहां भी काफी भीड़ हो गई थी, लोग सब स्तब्ध थे, घबराए हुए थे, इतनी जोर की बारिश हो रही थी, बारिश बंद नहीं हो रही थी, मैं बुरी तरह भीग गया था। गायत्री भवन करके एक धर्मशाला थी, हम वहां पर पहुंचे, वहां पर एक पंडित जी का एक रूम था, उसमें हमने शरण ली रात में रुकने के लिए, हम वहां रुके रात में। बारिश का ऐसा कहर हमने आज तक नहीं देखा, बहुत जबरदस्त बारिश थी और मंदाकिनी नदी की इतनी भयानक गर्जना थी जैसे पता नहीं क्या यहाँ होने वाला है, कुछ कोई प्रलय यहाँ जरूर आने वाली है। अविनाश का अनुमान गलत नहीं था, कुछ ही घंटों में इनके सबसे बुरे सपने सच होने वाले थे। सत्रह तारीख की सुबह भी केदार घाटी को कोई राहत नहीं मिली, बारिश न तो रुकी और न ही धीमी पड़ी। मौत से बाल बाल बचे जिंदा लोग अभी मुश्किल से संभल ही पाए थे कि अब इन पर आफत का दूसरा हमला होने वाला था। 7:15 के आसपास की बात है, किसी ने कहा कि आ गया आ गया आ गया, तो अब जोर से विस्फोट की जैसी आवाज हुई और कमरा हिलने लग गया और इतने में हम बाहर भागे, जो ही 10-12 कदम आगे गए इतने में आवाज आ गई कि सैलाब आने की और हम वहीं पर दुबक गए। एक छोटा सा पत्थर का घर था उसके पीछे दुबक गए। ये चोराबारी लेक यानी गांधी सरोवर के फटने की जोरदार आवाज थी। चोराबारी लेक एक कुदरती झील है जिसमें बर्फ के पिघलने
और बारिश से आने वाला पानी जमा होता है। ये चोराबारी ग्लेशियर के निचले छोर और दाहिनी तरफ एक चट्टानी दीवार के बीच स्थित है। 4 जून 2013 की तस्वीर से पता चलता है कि उस दिन झील में बहुत थोड़ा सा पानी था, लेकिन इस झील का जलस्तर 16 तारीख को हुई तेज बारिश से बहुत तेजी से बढ़ने लगा। सुबह चोराबारी लेक का साउथ ईस्ट तटबंध टूट गया। जैसे ये यहाँ से ब्रिज हुआ, यहाँ से ब्रश हुआ, तो पानी एकदम से कम फ्लो, एकदम से जैसे शावर फेंक दिया हो गया। इस टूटी हुई जगह से पानी तेजी से निकलकर सामने मौजूद मोरेन या चट्टानों की दीवार से टकराया। नीचे की ओर बढ़ते पानी में चट्टानों और मिट्टी का ये जानलेवा मलबा भी मौजूद था। दो लोग मेरे उस दिन वहाँ पर बैठे थे जो हमारे यहाँ इक्विपमेंट को देखते हैं, उन्होंने देखा क्या करके, वो तो एकदम से श्रेणी बग गए पानी को देख करके। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को मॉनिटर करने के लिए ग्लेशियर पर तैनात वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के धनवीर पवार और इनके साथी ने ये सब कुछ देखा। मैंने सोचा भूकंप आया, मैंने अपने साथी को उठाया, मैंने कहा यार भाई हिल रहा है, तो उसने जैसे टेंट की जीप खोली तो उसने कहा कि मुझे कहा कि भाग, तो मेरा एक बैग था, मैं वो बैग निकालने के चक्कर में हमारा टेंट जो है विंड से इतना खड़ा उठ गया था, तो मैंने फिर वो बैग वैग छोड़ा और नंगे पाँव बस अपना एक इनर पहना था उसी में मैं बाहर निकला। तो जब तक मैं मतलब टेंट से 5 मीटर आगे निकला तब तक जो है ऊपर एक आवाज सी आई, जिस समय वो लेग भ्रष्ट हुई, वो बड़े बड़े बोल्डर आपस में टकराए, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा लेग फट गई अपने दोस्त को, तो उसकी लहरें कम से कम 100 मीटर ऊंची जा रही थी। नीचे केदारनाथ में जो है पानी 5 मिनट लेट पहुंचा, लेकिन मकान पहले होने लग गए थे। चोराबारी लेक के फटने से आया पानी शहर के ऊपर 300 मीटर की ढलान से लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, यानी ये रफ्तार बहुत तेज थी। कई जगहों पर ये गाड़ियों की आम रफ्तार होती है। आमतौर पर बाढ़ आने पर पानी की रफ्तार 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि ये वाली बाढ़ उससे लगभग 10 गुना से भी ज्यादा तेज थी। इसके साथ बड़े बड़े पत्थर भी आए थे, तो इसने केदारनाथ को बर्बाद कर दिया। चट्टानों और पत्थरों के जानलेवा मलबे वाले पानी का ये उफान केदारनाथ से टकराया। फ्लैश फ्लड यहाँ पहुँच गया था। केदारनाथ घाटी कांप गई। इससे बहुत तेज शोर हो रहा था। हम लोग बिल्कुल मरने के लिए तैयार थे। वहाँ पर एक छोटा सा मकान था, उसमें जो दुबक गए हम 12-15 लोग थे। मैंने जो है साहस करके, सब लोग भाग रहे थे, मैंने कहा भागो नहीं, भागोगे तो बहोगे, यहाँ पर रहो, मरेंगे तो यहीं पर मरेंगे। इतने देर में कहते कहते तब तक सैलाब आ गया। हमारे आगे जो बिल्डिंग थी उसपे शायद कुछ मलबा वगैरह लग गया था और दोनों तरफ दाएं और बाएं को डाइवर्ट हो गया जो सैलाब आया, और उससे जो है दाएं तरफ को सारा रेस्ट हाउस को बहा के ले गया, बाएं तरफ एक कोई होटल था बहुत बड़ा उसको बहा के ले गया, और हमारे आसपास सामने कई बॉडीज वहां पर जब सैलाब रुका 2-3 मिनट मुश्किल से रहा होगा। हैरान परेशान भवान सिंह को लग रहा था कि उनका बच जाना एक चमत्कार था। तब तक वहाँ पानी बहुत ज्यादा आ चुका था, मेरे फादर उसकी चपेट में आ गए थे, लेकिन मैंने उनकी कलाई को नहीं छोड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत से उनको पकड़ के ऊपर खींचा और हम जल्दी से सेकंड फ्लोर पे जाके चढ़ गए। हम उस बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पर जब तक हम चढ़ पाते और खड़े हो पाते तब तक फ्लड आकर के जा भी चुका था। अविनाश किस्मत से अपने पिता और अपने बच्चों के साथ बच गए, लेकिन इनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदार लापता हो गए और उनका अब तक कोई पता नहीं चला है। चश्मदीदों के मुताबिक ये फ्लैश फ्लड 5 मिनट से भी कम समय में शहर से गुजर गया और अपने पीछे मौत और तबाही के साथ मिट्टी और चट्टानों की एक परत छोड़ गया। डॉक्टर जॉन जैक श्रोडर पिछले 50 साल से एक प्रोफेशनल जियोलॉजिस्ट हैं। वो शहर एक घाटी के नीचे एक बहुत नाजुक जगह पर है। उस घाटी के ऊपर 3 या 4 रिवर सिस्टम्स बर्फ से निकलते हैं और शहर के ठीक नीचे आपस में मिलते हैं, इसलिए ये शहर बहुत आसानी से उनके चपेट में कभी भी आ सकता था। पानी की रफ्तार और उसके वजन ने मलबे और पत्थरों के कई मीटर ऊंचे मलबे की बाढ़ को केदारनाथ से काफी आगे तक पहुंचा दिया। इसने रास्ते में लोगों के रुकने की जगह वाली बस्ती रामबाड़ा और गौरी कुंड के बीच वाले हिस्से को लगभग पूरी तरह अपनी चपेट में लेकर तबाह कर दिया। किसी चमत्कार की तरह
सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर इस तबाही से बचने में कामयाब हो गया। श्रद्धालु इसे ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इसके बचे रहने का रहस्य सदियों पुराना है। सोलह और सत्रह जून को लगातार हो रही बारिश की वजह से आए जबरदस्त फ्लैश फ्लड्स ने उत्तराखंड के चार जिलों की नदियों को जानलेवा धाराओं में तब्दील कर दिया, जिन्होंने अपने रास्ते में पड़ने वाली और आसपास मौजूद हर चीज को तबाह कर दिया। इस तबाही ने केदारनाथ शहर को नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ बची कुछ गिनी चुनी इमारतों में से एक सदियों पुराना केदारनाथ मंदिर भी है, जो अपने आसपास फैली तबाही के बीच सिर उठाए खड़ा नजर आता है। जब ऊपर से आ रहे पानी और मलबे ने केदारनाथ शहर पर हमला किया तो नई इमारतों के बचने की कोई संभावना नहीं थी, और वो बहकर आ रहे पत्थरों की मार नहीं झेल पाई। इससे पता चलता है कि वो पानी के इस तरह के तेज बहाव को झेलने के लिए नहीं बनी थी, जबकि मंदिर अपनी गहरी बुनियाद और मोटी दीवारों की वजह से सब कुछ झेलकर भी अपनी जगह कायम रहा। अनुभवी जियोलॉजिस्ट और पद्मश्री प्रोफेसर के एस वाल्डिया कई दशकों से इस इलाके का अध्ययन कर रहे हैं, और इन्होंने मंदिर के आर्किटेक्चर की प्राचीन उत्कृष्टता के बारे में बताया। उस जमाने में मंदिर बनाने वालों ने पहले ऐसी जगह चुनी जो चट्टानों की आड़ में हो, और फिर आर्कियोलॉजिस्ट की हाल की एक रिपोर्ट से पता चला है कि मंदिर की इमारत इस तरह बनी हुई है कि इसमें एक शॉक प्रूफ डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है, जिसे आज के इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट अपना रहे हैं। मंदिर की दीवारों के साथ साथ इसकी बुनियाद भी आपस में जुड़ी हुई है। आपको वहां के मंदिर के निर्माण को देखना चाहिए और उसे बनाने में दिखाई गई समझदारी से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तो पहाड़ों में बन रही इमारतों को देखकर डर जाता हूँ। वो उस माहौल के लिए बिल्कुल सही नहीं है, और मुझे लगता है कि उस पूरे रास्ते पर यानी मंदिर तक पहुँचने के अहम रास्ते पर यही हो रहा है, और वहाँ की इमारतें बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं बनी है। पूरे रास्ते में जहाँ से भी टूरिस्ट गुजरते हैं या रुकते हैं, यही हाल है वहाँ का। प्रोफेसर के एस वाल्डिया को लगता है कि ये घाटी मंदाकिनी का फ्लड प्लेन भी है, और इसके बीचों बीच स्थित होने के कारण केदारनाथ शहर को बहुत खतरा है। फ्लड प्लेन नदी के कुदरती रास्ते को कहते हैं, जिसमें 100 साल में कम से कम एक बार एक फुट की ऊंचाई तक पूरी तरह से पानी भर जाता हो। यानी दूसरे शब्दों में ये बाढ़ का रास्ता है, जिसमें बाढ़ आने की पूरी आशंका रहती है। इसमें लोगों ने सिर्फ शेड और स्टॉल ही नहीं, बल्कि घर, धर्मशाला और होटल वगैरह भी बना लिए थे। पुराने जमाने के लोग काफी समझदार हुआ करते थे। उन्होंने अपने गांव ऊपर की ढलानों पर बनाए थे, जो काफी ऊपर थे रिवर बेड से। चाहे उन्हें नदी से पानी लाने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उन्हें लगता था कि ऊंची जगह ही सुरक्षित थी। केदारनाथ और घाटियों में फंसे भवान सिंह और कुछ गिने चुने लोगों के लिए अब नई मुश्किल आने वाली थी। भाई इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा भाई हो गया था, इतना ट्रेलर था कि हमको ठंड महसूस ही नहीं हुई, और हमको जो गीले कपड़े थे भी पता नहीं रहा कि बदन में गीले कपड़े हैं, क्योंकि मेंटली भी हम जो है बहुत ज्यादा घबरा गए थे, और हमारे बॉडी और गर्म हो गया था अंदर से, जैसे घबराहट से बीपी बहुत चढ़ गया था सभी लोगों का। 18 जून की सुबह आखिरकार बारिश थमी। 18 तारीख सुबह बारिश, हल्की हल्की बारिश हुई, उसके बाद मौसम जरा साफ हुआ, और 7-8 बजे करीब जब एकदम बारिश बंद हुई, तब जाकर के हम उस होटल से थोड़ा ही आगे निकले, तो वहां पर देखा तो जो सैलाब लगा वो केवल हमको बचाने के लिए लगा हुआ था। बिल्कुल वहां पर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा लगा हुआ था, जो दोनों तरफ डाइवर्ट हुआ था,
और जो आसपास के जो बचे हुए होटल थे उनके आधे टूटे हुए थे और उन होटल में बॉडीज लटक रही थी मरे हुए लोगों की, और जहां से हम गुजर रहे थे उसके नीचे भी बॉडी थी, पास में बॉडीज पड़ी थी, किसी की गर्दन दिख रही थी, किसी की आधी बॉडी दिख रही थी, किसी के बदन पे तो किसी के कपड़े थे ही नहीं क्योंकि सब सैलाब में बह गए थे। किसी तरह जिंदा बच गए लोगों को बचाव के लिए इस इलाके की ओर आ रहे शुरुआती हेलीकॉप्टर्स को देखकर उम्मीद बंधने लगी थी। यहाँ सबसे पहले वो सिविलियन पायलट पहुँचे जो भट्टा और केदारनाथ के बीच तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने का काम करते थे। उन्होंने कई चक्कर लगाकर मंदिर के आसपास के इलाके से बचे हुए लोगों को रिज लाइन तक पहुँचाया, जहाँ से भारतीय वायुसेना के बड़े हेलीकॉप्टर्स ने उन्हें गुप्तकाशी, कोचर और देहरादून पहुँचा दिया। इस घटना की चेतावनी 16 तारीख की दोपहर को ही सभी संबंधित व्यक्तियों को दे दी गई थी, मतलब उस दिन दोपहर तक। लेकिन जो कुछ होना था वो सब तो उस रोज रात तक हो चुका था, और स्टेट को इस बात का अनुमान लगाने में थोड़ा बहुत वक्त लगा कि क्या गड़बड़ी हुई थी, और एयरफोर्स को 17 तारीख को दोपहर के आसपास अपने एयरक्राफ्ट्स को तैनात करने के लिए कहा गया। तो हमने अपने 6 हेलीकॉप्टर्स को सरसावा में, जो सहारनपुर में है, वहां तैनात कर दिया, और 2 को यहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में तैनात कर दिया, ताकि ये पता चल सके कि वहां हुआ क्या था। 17 तारीख को हुई देरी की वजह से बचाव का काम शुरू नहीं हुआ, ऑपरेशंस 18 तारीख की सुबह शुरू हो सके। हमने हालात का जायजा लेने के लिए एक उड़ान भरी, और तब केदारनाथ की ओर जाने पर यह पता लगा कि कितना नुकसान हुआ था। रेस्क्यू ऑपरेशंस में 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लगे थे, जिनमें ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स थे। सभी प्रभावित इलाकों में बचाव का काम अगले दिन भी जारी रहा। फंसे हुए हजारों लोगों को सेना के ये लोग देवताओं से कम नहीं लग रहे थे, जो उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे थे। 21 सुबह जो है, तब जो है कुछ बादल हटे और आर्मी का हेलीकॉप्टर आया सुबह, तो तब आस जगी कि हम जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में कुछ राहत सामग्री आई और कुछ आर्मी के लोग आए, और उसके बाद में गुप्तकाशी पहुंचा हेलीकॉप्टर से। गुप्तकाशी आकर के मैं जो ही नीचे उतरा तो मैं बेसुध था, तो मैं पूछने लगा, वहां पर राहत शिविर लगा हुआ था, मैं वो पानी पुनी के लिए पूछ रहे थे, खाने के लिए पूछ रहे। मैंने कहा पहले मेरे को बताओ कि बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, तो उन्होंने कहा आपको जाना कहाँ है। मैंने कहा मेरे को देहरादून जाना है। हाँ मैडम, मेरे को देहरादून अपने। मैडम मैंने सॉरी, मेरे को देहरादून जाना है, अपने बच्चों के पास जाना है सबसे पहले। तो उन्होंने कहा कि आपको देहरादून जाना है तो आप लाइन पे लग जाइए। तो मैंने कहा कि आप तो बस से भी रहोगे या रास्ता नहीं होगा आगे मोटर का। तो उन्होंने कहा कि आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे। मैं तब जो है जाकर के शांति हुई। फिर मैंने जो है पानी मांगा, अपने कपड़े, मेरे पास जो जैकेट था वो खोला। तब तक गर्मी का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी गर्मी हो रही है, कितनी ठंड हो रही है। उसके बाद मेरे को ये हुआ कि अब मैं सुरक्षित पहुंच सकता हूं। केदारनाथ और लगभग 2375 गांव और शहर दुनिया के बाकी हिस्सों से कट गए थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे और हजारों लापता थे। देश को उन 3 दिनों की खौफनाक घटनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, और अब जाकर साफ होने वाला था कि ये तबाही कितनी बड़ी थी। प्रकृति की ये विनाश लीला 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कुल 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी और गंगा में जबरदस्त बाढ़ आ गई थी, और यमुना का पानी भी खतरे के निशान से ऊपर था। इस तबाही में मारे गए लोगों की तादाद आधिकारिक रूप से 580 बताई जाती है, लेकिन हजारों लोग लापता हैं, और महामारी फैलने के डर से कई लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके अलावा उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों की संख्या को ठीक से दर्ज करने की व्यवस्था न होने के कारण जान माल के वास्तविक नुकसान का अनुमान लगाना शायद कभी संभव नहीं हो पाएगा। ये एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन जान माल पर इसके विनाशकारी प्रभाव के लिए इस राज्य में जारी बेतरतीब विकास जिम्मेदार था।
जून के मध्य में हिमालय के ऊंचे हिस्सों में जहां बहुत ज्यादा बारिश हुई थी वहां कुछ हजार लोग मारे गए और कई हजार अब भी लापता हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा थी लेकिन विकास के गलत तौर तरीकों की वजह से ये आपदा एक विनाश लीला में बदल गई। 1 करोड़ की आबादी वाले इस राज्य में इससे दोगुने पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। इस राज्य को देवभूमि कहा जाता है और इस राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से यहां आने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करती है और अगर इन नाजुक इलाकों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसे हादसों से नहीं बचा जा सकेगा। अगर आप उस इलाके में एक निश्चित तादाद से ज्यादा लोगों के लिए होटल बनाएंगे और टूरिस्ट फैसिलिटीज बनाएंगे तो दिक्कत तो पैदा होगी ही। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कुछ हद तक पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करना होगा। आपको इससे पड़ने वाले प्रभाव पर भी गौर करना होगा। आप इसे अनलिमिटेड साइज तक नहीं बढ़ा सकते और एक सीमा के बाद इस इलाके की इकोलॉजी पर बहुत नुकसानदेह असर तो पड़ेगा ही। केदारनाथ को फिर से बनाने और बसाने में काफी वक्त लगेगा और तब तक यहाँ खामोशी छाई रहेगी। डर तो जहाँ तक मैं तो इतनी त्रासदी में रहा हूँ, मैं तो स्वयं मुझे अगर मौका मिले कि आप जो है पैदल जाए दर्शन करने जाए तो मैं स्वयं जाऊंगा, लेकिन यात्रा करने तो मैं फिर जाऊंगा और चाहे पैदल ही जाना पड़े मौका मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। अब कभी इच्छा नहीं होती है कि मैं अपने परिवार को सारों को खोने के बाद मैं अपने बच्चों को भी मना करता हूँ केदारनाथ क्या किसी पहाड़ी पे नहीं जाएंगे। मैं तो जाऊंगा ही नहीं मगर कोई भी नहीं जाएगा। आज इंसान की जान की कीमत सबसे ज्यादा है, भगवान की कीमत जब ही है जब इंसान है। इंसान नहीं तो भगवान को कौन पूछेगा।